हेलो फ्रेंड्स, सीएमसीएटी प्रोग्राम चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार आप सबके सामने क्यू बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल में उपस्थित हूँ। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो चलिए आज हम क्यू बेसिक प्रोग्राम में क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जितने सारे आपको ये ट्रायंगल होते हैं, सभी ट्रायंगल को दो भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल के आधार में भी आपको ट्रायंगल बना तीन भाग में डिवाइड किया गया है। वह है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में आपको तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरे होते हैं आपको एसोसिएटेड ट्रायंगल, और तीसरे होते हैं आपको एस्क्लिनेट ट्रायंगल। तो चलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार में एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले स्केप खींचेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम सीएलएस खींचेंगे, ठीक है। रेम जो है, रेम आपको हेडिंग के लिए या रिमार्क्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रिमार्क्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे रेम है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन वैल्यू हम इनपुट लेंगे, तीन वेरिएबल यूज करेंगे और तीन टो नंबर इनपुट लेंगे कीबोर्ड से। तो से क्या करेंगे, इनपुट इंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, इंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये है एक वेरिएबल है आपको, ये जो है एक आपको ए वेरिएबल है और ये आपको सिंगल पिशन वेरिएबल है। फिर इनपुट इंटर द सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपको बी, ठीक है, ये बी भी वेरिएबल है आपको, सिंगल पिशन वेरिएबल है जो फोर बाय स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। फिर इनपुट इंटर द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ए बी सी आपको जो है तीन वेरिएबल हैं जो आपको सिंगल पिशन वेरिएबल है, जो डिफॉल्ट वेरिएबल भी क्यू बी सी का कहा जाता है, और ये तीन वेरिएबल है जो एक वेरिएबल आपको फोर बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। और ये जो इंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो है, ये सब जो है आपको, तो ये सब है क्या, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो स्क्रीन में प्रिंट होगा। जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, रन करेंगे तो डिस्प्ले होगा। और इनपुट स्टेटमेंट क्या करते हैं, वैल्यू को इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड से। अब देखिए कंडीशन क्या है, तो जरूरी नहीं है कि जितने सारे ट्रायंगल जो हम देंगे यहाँ पर साइड्स देंगे तो ट्रायंगल पॉसिबल ही होगा, ट्रायंगल हो भी सकता है, ट्रायंगल नहीं भी हो सकता है। तो जब भी आप ये प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस कंडीशन में ट्रायंगल होगा और किस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन देना होगा कि इफ ए प्लस b इज लेस देन c, ठीक है, और b प्लस c इज लेस देन a, और c प्लस a इज लेस देन b, देन व्हाट, देन क्या होगा इसके बाद, इसे क्या करेंगे प्रिंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, प्रिंट No triangle is possible. No triangle is possible. ठीक है, देखिए अगर ये दिया हुआ कंडीशन, अगर a प्लस बी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब ट्रायंगल के दो साइड्स तीसरा साइड से, दो साइड्स का सम जो है क्या सम करके तीसरा साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर a प्लस बी इज लेस देन c है, अगर a प्लस बी को सम करके c से लेस होगा तो फिर भी आपको नो ट्रायंगल इज पॉसिबल डिस्प्ले शो होगा मैसेज। अर्थात बी प्लस सी, बी सी को ऐड करके सम करके अगर ए से लेस होगा फिर भी नो ट्रायंगल इज पॉसिबल शो करेगा।
अगर सी प्लस ए को सम करके बी से लेस होगा फिर भी नोट टेंगल इज पॉसिबल शो करेगा। इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन जब फेल होगा तब भी आपको टेंगल पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए सेकेंड में जाते हैं। इसी पे ए इज इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी। देखिए सेकेंड में क्या है, ए बी यदि ए बी इक्वल रहेगा और ए सी भी इक्वल रहेगा तभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी है एंड ए इक्वल टू सी, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये नहीं कि ए बी इक्वल होगा और ए सी इक्वल नहीं होगा तब आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट नहीं होगा, इसीलिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये कंडीशन आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इस शेप अब क्या है हमें देना का फॉर्मूला फंक्शन, ये एसोसिएलिस ट्रायंगल का। एसोसिएलिस ट्रायंगल क्या है कि दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल का, मतलब जितने साइड्स में तीन साइड्स होते हैं, जितने सारे ट्रायंगल है सबको तीन साइड्स होते हैं, उसमें दो साइड सेम होना चाहिए, एक साइड डिफरेंस होगा उसे क्या कहते हैं हम, एसोसिएलिस ट्रायंगल। तो देखिए इफ इल्सिप ए इक्वल टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ए बी इक्वल है और ए सी इक्वल नहीं है, और बी इक्वल टू सी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, बी सी दो साइड इक्वल रहेगा और ए के साथ इक्वल नहीं रहेगा, ये जो साइन देख रहे हैं ये नॉट इक्वल्स टू है, और सी इक्वल्स टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ये कंडीशन दिया हुआ थ्री कंडीशन में एक भी आपको ट्रू है तब क्या प्रिंट होगा, देन प्रिंट प्रिंट क्या होगा आपको, एसोसिएलिस एसोसिएलिस ट्रायंगल, ठीक है। एसोसिएलिस ट्रायंगल, अब मान लीजिए ए बी इक्वल है, सी सी इक्वल नहीं है, बी सी इक्वल है, बी ए सी इक्वल नहीं है, सी ए इक्वल है, सी बी सी इक्वल नहीं है, मतलब दो सेट्स इक्वल शो कर रहा है। जितने सारे आप थ्री कंडीशंस देख रहे हैं सभी में दो सेट्स इक्वल है, तीसरा से डिफरेंट है। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको किस चीज़ का है, एसोसिएलिस ट्रायंगल का है। एसोसिएलिस ट्रायंगल सॉरी यहाँ पर ठीक है, ये हो गया एसोसिएलिस ट्रायंगल। अब देखिए इल्स अगर वो ट्रायंगल साइड्स में थ्री तीन ट्रायंगल होते हैं जो इक्विलेटरल होते हैं एसोसिएलिस होते हैं, तो जब इक्विलेटरल भी नहीं है एसोसिएलिस भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट एस सी एल यानी स्क्लिने ट्रायंगल, ठीक है, तब क्या होगा, स्क्लिने ट्रायंगल प्रिंट होगा। अब देखिए इल्स जो है स्टेटमेंट, जब भी आप मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, इफ इल्स इफ इल्स इफ इल्स फॉलो कंडीशन करेंगे, तो इल्स जो स्टेटमेंट है आपको रिजर्व वर्ड है क्यूबीसी का, जो आपको कंडीशन कभी भी फॉलो नहीं करते, कंडीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए इल्स में क्या एस्क्लेनेट ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन ए प्लस बी इज लेस देन सी होगा और बी प्लस सी इज लेस देन ए होगा और सी प्लस सी इज लेस देन बी होगा, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं रहेगा, नो ट्रायंगल इज पॉसिबल मैसेज डिस्प्ले होगा। इल्स इफ ए बी इक्वल है और ए सी से भी इक्वल है, एंड ऑपरेटर अगर यूज किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि एंड ऑपरेटर का काम है ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स 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 होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब देखिए इल्स इफ ये हो गया इक्विलेटरल का, ये जो है आप दिया गया है आपको ये थ्री कंडीशंस, ये एसोसिएलिस का है कि दो साइड्स इक्वल है और तीसरा से डिफरेंस है। यहाँ पर ए बी इक्वल शो कर रहा है, अगर यदि ए बी इक्वल होगा सी से नहीं होगा, और बी सी इक्वल होगा और ए से नहीं, बी ए इक्वल नहीं होगा और सी ए सी इक्वल होगा पर सी बी सी इक्वल नहीं होगा, तो एसोसिएलिस होगा। अगर ये भी आपको
फॉल्स है, तो इसके बाद में क्या एस्केलेनेट एंगल पीट होगा। आप सब लोग को ऑलरेडी मालूम है कि जब भी आपको इफ स्टेटमेंट इंड से क्लोज होते हैं, ये आपको इफ का क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके बाद में हम इंड करते हैं। अब जब भी प्रोग्राम का एफ फाइव रन करेंगे तो ये डिमांड करेगा, मान लीजिए कि फाइव है, ठीक है, फोर थ्री, ठीक है, एस्केलेनेट एंगल है क्योंकि ऑल साइड्स डिफरेंट है, देख रहे हैं आप लोग, फिर इंटर, फिर एफ फाइव देंगे यहाँ पर, अगर देंगे यहाँ पर 23, अगर दे रहे 23 देंगे, 23 देंगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करेगा। फिर आप एक बार एफ फाइव रन कर रहे हैं, अगर 23 कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं और 23 कर रहे हैं तो यहाँ पर एस एस